फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल और आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल मॉब ट्रिक्स। दोस्तों, WhatsApp ने हाल ही में एक अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च किया WhatsApp बिजनेस के नाम पे, और जैसे कि नाम से ही मालूम पड़ता है कि ये खास तौर पर बिजनेस पर्पज़ के लिए बनाया गया है, जिससे कि आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं और अपने कस्टमर के साथ, अपने क्लाइंट के साथ आसानी से इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं। तो दोस्तों, इस ऐप के कुछ खास फीचर्स भी हैं जो कि इसको अलग बनाते हैं, यूनिक बनाते हैं WhatsApp के जो मैसेजिंग ऐप है उसकी तुलना में इसको कुछ अलग बनाते हैं। इसमें कुछ खास फीचर भी दिए गए हैं, तो आज इस वीडियो में मैं इसके 5 स्पेशल फीचर्स के बारे में बताऊंगा, जो कि आप अगर ये ऐप यूज करना चाहते हैं या फिर यूज कर रहे हैं तो इन फीचर्स को ज़रूर से ज़रूर यूज कीजिए, क्योंकि बगैर इन फीचर्स के इस ऐप में कुछ नहीं है, ऐसा समझ लो। तो आज मैं उन्हीं 5 बेस्ट स्पेशल फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल वाली बटन को दबा दो, ताकि जब मैं नया कभी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, इसका पहला फीचर है कि आप इसमें अपने बिजनेस रिलेटेड एक कंप्लीट प्रोफाइल बना सकते हैं, जिससे कि सामने वाले को मालूम पड़ जाएगा कि आपका बिजनेस किससे रिलेटेड है और क्या कुछ है आपके बिजनेस में, आपका बिजनेस एड्रेस कहाँ है, आपका ईमेल क्या है, आपका वेबसाइट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको सामने वाले कस्टमर को, सामने वाले क्लाइंट को आसानी से मालूम पड़ जाएगी। प्रोफाइल सेट करने के लिए आप इधर से सेटिंग में चले जाइए, फिर उसके बाद इधर देखिए आपको एक नया सेटिंग दिखा रहा है बिजनेस सेटिंग का। इधर से आप प्रोफाइल पे जाएंगे तो आपको सारे ऑप्शन दिखाई देने लगेंगे, बिजनेस एड्रेस, बिजनेस कैटेगरी, आप सारी चीज़ें इधर से सेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और इसके साथ ही खास यह है कि बिजनेस और भी सेट कर सकते हैं, जिससे कि सामने वाले को मालूम पड़ेगा कि हाँ, ये बंदा इतने बजे तक ही, मतलब इसका बिजनेस चालू रहता है, इतने बजे तक ही रिप्लाई देता है। तो एक शेड्यूल सेट कर सकते हैं कि सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक, या फिर सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक, इस तरीके का जो भी आपका बिजनेस रूटीन है उसके हिसाब से इधर बिजनेस और भी सेट कर सकते हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी है इसमें। इसका दूसरा फीचर है अवे मैसेज। अब अवे मैसेज से होता क्या है कि अवे मैसेज में जब कई बार ऐसा होता है कि हम खाली नहीं रहते, हम बिजी रहते हैं, या फिर हम रिप्लाई देने की स्थिति में नहीं रहते हैं, कुछ भी चीज़ें ऐसी रहती हैं कि हम तुरंत रिप्लाई नहीं दे पाते अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को। तो क्लाइंट अगर कभी आपको कुछ मैसेज करता है तो सामने वाले को ऑटोमेटिक एक मैसेज चले जाएगा कि अभी आप बिजी हो, अभी आप रिप्लाई नहीं दे पाओगे, थोड़ी देर बाद जब आप फ्री हो जाओगे तब आप उनको रिप्लाई दोगे। तो इससे कि सामने वाला जो आपका कस्टमर है, क्लाइंट है, उसको भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि हाँ, सामने वाले ने मुझे रिप्लाई दिया। नहीं तो अगर वो मैसेज करते रहेगा, आप उसका रिप्लाई नहीं दोगे, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा गुस्सा हो जाएगा या फिर नाराज़ हो सकता है आपसे। तो इसको यूज करने के लिए आपको फिर से वही बिजनेस सेटिंग में ही आपको अवे मैसेज का ऑप्शन मिलेगा, ये ऑफ रहता है, इधर से आपको ऑन कर देना है। और इधर से आप अपना जो भी मतलब मैसेज सेंड करना चाहते हैं ऑटोमेटिक वो मैसेज लिख दीजिए। फिर उसके बाद इधर आपको कस्टम शेड्यूल, अगर इधर आप क्लिक करेंगे तो इधर आप एक शेड्यूल सेट कर सकते हैं कि वो मैसेज कब जाना चाहिए। ऑलवेज सेंड पे क्लिक करेंगे तो हमेशा जाएगा, कस्टम शेड्यूल पे क्लिक करेंगे तो आप एक स्पेसिफिक टाइम सेट कर सकते हैं कि इतने बजे तक यह मैसेज जाना चाहिए, इतने बजे तक मैं बिजी हूँ तो ये मैसेज चले जाना चाहिए ऑटोमेटिक। फिर कभी कोई अगर आपको मैसेज करेगा तो ऑटोमेटिक सामने वाले के पास एक रिप्लाई चले जाएगा कि जो भी आपने सेट किया रहेगा वो रिप्लाई चले जाएगा। अगला जो फीचर है इसका जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है वो है ग्रीटिंग मैसेज का। ग्रीटिंग मैसेज दोस्तों एक ऐसा फीचर है जिसके द्वारा आप अपने कस्टमर के साथ, क्लाइंट के साथ जुड़े रह सकते हैं, उनके साथ कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट आते हैं हमारे पास, हमारा काम होता है, फिर उसके बाद भूल जाते हैं, या फिर आपकी उनके साथ बातचीत नहीं होती रहती है तो कहीं ना कहीं वो आपको भूल जाते हैं। तो इस फीचर के द्वारा वो शायद वो नहीं होगा। तो इसमें आपको करना क्या है कि अगर इधर से आप इसको ऑन कर दीजिए, फिर कभी अगर कोई नया कस्टमर है वो आपको मैसेज करता है तो एक ग्रीटिंग मैसेज उसके पास चले जाएगा ऑटोमेटिक ही कि वेलकम टू राहुल केसरवानी, मतलब जो भी आपका बिजनेस नेम रहेगा, और उसके बाद ही मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूँ, मुझे खुशी होगी आपके साथ बिजनेस करने में, या फिर जो भी आप इधर चाहें सेट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपकी सामने वाले आपके क्लाइंट से, आपके कस्टमर से 14 दिनों तक बात नहीं होती है, मतलब कोई भी कन्वर्सेशन नहीं होता है, तो 14 दिनों के बाद ऑटोमेटिक एक मैसेज चले जाएगा, एक ग्रीटिंग चले जाएगा सामने वाले के पास, जो भी आपने मतलब लिखा रहेगा कि क्या हुआ, मुझे भूल गया, क्या मेरे पास इतनी चीज़ें और नई आई हैं, तो मतलब जो भी है आपका, मतलब एक ग्रीटिंग मैसेज आप भेज सकते हैं, जिससे कि सामने वाला जब देखेगा, पढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक आप उसको आपकी याद आएगी और आपका और कस्टमर के बीच में एक अच्छा रिलेशन बनेगा। इसका जो नेक्स्ट फीचर है वो है क्विक रिप्लाइज का। क्विक रिप्लाइज का जो फीचर है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है।
कई बार ऐसा होता है कि अगर आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, पॉलिसीज़ हैं, कई बार ऐसा होता है कि कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं जो कि अक्सर लोग पूछते हैं कि ये चीज़ कैसे होगा, ये कैसे किया जाएगा, और आप पेमेंट कैसे देने का है, पेमेंट कैसे लेने का है, ऑर्डर कहाँ डिलीवर होगा, मतलब वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें लगभग हर क्लाइंट आपसे पूछेगा, हर कस्टमर आपसे पूछेगा, तो उसका आप पहले से ही प्रीसेट कर सकते हैं और उसका एक शॉर्टकट बना सकते हैं। जैसे कि मैंने इधर देखिए बनाया हुआ एक शॉर्टकट, आप इधर देख सकते हैं कि इतनी सारे नोट्स का मैंने एक छोटा सा शॉर्टकट बनाया है सिर्फ PLJ मतलब प्लीज के नाम से। तो इधर से अगर आप हरी बटन पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका लंबा चौड़ा जो भी मैसेज है इधर आप टाइप कर दीजिए, फिर उसके बाद उसका एक छोटा सा शॉर्टकट बनाइए जो भी आप लिखना चाहते हैं, एक छोटा सा शॉर्टकट। फिर जब कभी आपके कॉन्वर्सेशन में उससे आपको सामने वाले को मैसेज भेजना रहेगा तो आप स्लैश जैसे ही प्रेस करेंगे आपके सामने आपके क्विक रिप्लाईज आ जाएंगे, तो आपको जो भी क्विक रिप्लाई देना है वो क्विक रिप्लाई आपको दे सकते हैं। तो ये था इसका चौथा बेहतरीन और बेस्ट फीचर। इसके साथ ही पांचों जो फीचर है वो फीचर आप किसी भी कस्टमर को एक कैटेगरी वाइज सेट कर सकते हैं। जैसे कि कोई कस्टमर है जो कि नया कस्टमर है, कोई कस्टमर पुराना है, किसी कस्टमर का ऑर्डर पेंडिंग है, किसी कस्टमर का पेमेंट पेंडिंग है, कोई कस्टमर पेड हो चुका है, तो हर कस्टमर को अलग अलग लिस्ट में डाल दोगे ना आप, तो लिस्ट कैसे डिसाइड करोगे? तो आप जैसे कि कोई भी कस्टमर है, जैसे कि ये कस्टमर, इसको अगर आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो इधर देखिए आपको एक अलग से नया आइकॉन दिखाई देने लगा है। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो इधर देखिए आपको अलग अलग लेबल दिखाई देते हैं, जैसे कि न्यू कस्टमर, न्यू ऑर्डर, पेमेंट पेंडिंग वगैरह वगैरह। इसके साथ ही आप नए लेबल भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको डाल दिया ऑर्डर कंप्लीट, तो अब ये बंदे का ऑर्डर कंप्लीट हो गया। इधर से अगर मैं देखना चाहूँ तो इधर देखिए लेबल्स, इधर से मुझे सारी चीज़ें मालूम पड़ जाएंगी कि कितने नए कस्टमर हैं, कितने लोगों का ऑर्डर पेंडिंग है और कितने लोगों का ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। तो ये सारी चीज़ें मुझे आसानी से मालूम पड़ जाएंगी, जिससे कि आपको आपका बिजनेस मैनेज करने में काफ़ी आसानी होगी। तो दोस्तों ये थे टॉप 5 बेस्ट, मेरे हिसाब से बेस्ट फीचर्स व्हाट्सएप बिजनेस ऐप के, क्योंकि अगर आप इन फीचर्स का यूज नहीं करेंगे तो मतलब ही नहीं है इस ऐप का यूज करने का। तो दोस्तों ये था टॉप 5 बेस्ट फीचर व्हाट्सएप बिजनेस ऐप का। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप स्टूडेंट हैं, आप बिजनेस वगैरह नहीं करते, तो आप इस वीडियो को उन लोगों को बताइए, उन लोगों को ये इन फीचर्स के बारे में बताइए, आपके जो भी बड़े हैं जो बिजनेस करते हैं, अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस ऐप यूज कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो आपको आप उनको इस फीचर्स के बारे में ज़रूर से ज़रूर बताइए, और हो सके तो ये वीडियो शेयर कर दीजिए अपने जो भी आपके जो भी रिलेशन में हैं, और ताकि उनको भी मदद हो जाए और वो भी जान पाए इन खास फीचर्स के बारे में कि इनको कैसे यूज करना है और इनको यूज करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, और बस दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल वाली बटन दबा दीजिए, क्योंकि बेल वाली बटन के बहुत लोचे हो गए। तो बस दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड डे एंड टेक केयर।